हेलो 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 एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ वाला वेर इन इन टू कवर अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चंक ऑफ जनवरी मंथ्स लीगल अपडेट्स सो इफ यू टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जितने भी मंथली अपडेट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ पे कोई भी टिप दिया जाता है कोई भी टिप्पणी करी जाती है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मेंस में और कई बार वो प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जाता है तो लीगल फ्रटर्निटी में है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर महीने के जितने भी लीगल अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर और जनवरी मंथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी फंडामेंटल हुई और उन्हीं के बारे में आज के सेशन में डिस्कशन होने वाला है आपको ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है लाअाला का टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से उस उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे आप वहाँ से इनके नोट्स ले सकते हैं हर न्यूज़ के साथ आपको केस टाइटल मिलेगा उसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया वो मिलेगा और वो पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया कब आया उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ वे टुडे सेशन एंड वेलकम गुड इवनिंग टू एवरीबडी गुड इवनिंग और अगर मेरी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है आपको तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ विथ टुडेज सेशन देखिए पास्ट में भी लास्ट ईयर भी मैंने हर मंथ के लीगल अपडेट्स आपको प्रोवाइड करे चाहे वो क्लास स्टूडेंट्स हों चाहे वो जुडिशल स्टूडेंट्स हो या आप किसी भी कॉम्पिटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सो so, एक बार बता दीजिएगा अगर मेरा ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर होगा थम्स अप कर दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जनवरी मंथ की लीगल अपडेट्स हम लोग देखने वाले हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाल ही में हुआ हुआ अपडेट है सुप्रीम कोर्ट ने रिलिजन uh, और कास्ट जो मेमो फाइलिंग में रिलीजन और कास्ट का अगर वर्णन किया जाता है और किया गया ये प्रैक्टिस कई बार प्रेवलेंट सुप्रीम कोर्ट ने देखी और इसके ऊपर एक्शन लिया गया आपके सामने केस का नाम है शमा शर्मा वर्सेस किशन कुमार का केस और सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हमारी कंट्री में सभी कोर्ट्स को सब कोर्ट्स को ये डायरेक्ट किया कि आप मेमो में या अपने किसी भी जो कोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वहाँ पर आप कहीं पर भी रिलीजन या कास्ट का वर्णन नहीं करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर नाम है यहाँ पे एक फैमिली डिस्प्यूट था फैमिली मैटर था और ये ट्रांसफर पिटिशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उनकी नजर पड़ी जजेस की जब नजर पड़ी तो वो बड़े ज्यादा हैरान और बहुत चौक गए कि आपको कास्ट का मेंशन करने की क्या रिक्वायरमेंट थी और ये प्लीडर से भी पूछा गया इस पर कई सारे सवाल उठा गए फॉरन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो रिलीजन और कास्ट का वर्णन कोई भी फाइलिंग फाइलिंग में आप देखेंगे कोर्ट्स में कई सारी फाइलिंग्स होती हैं चाहे वो मेमोज हो चाहे वो पिटिशन हो कहीं पे भी एप्लीकेशन में आप कास्ट या रिलीजन का वर्णन नहीं करेंगे इस चीज को क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया और अगर बात करी जाए यहाँ पे कि कोर्ट ने जब यहाँ पे प्लीडर से इसके बारे में क्वेश्चन किया कि आपने कास्ट का वर्णन करने की क्या रिक्वायरमेंट थी तो लॉयर जो अपियर कर रहे थे उन्होंने बेंच को इन्फॉर्म किया कि उनके पास कोई चॉइस नहीं था ये मेंशन करने के लिए कास्ट ऑफ द कपल इन केस पेपर्स फाइल बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट सिंस क्यों क्योंकि ये डिटेल्स शुरुआत से ही मेंशन थी केस पेपर्स में और इस कारणवश ये चीज उनको सुप्रीम कोर्ट को बतानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ये ऐसा प्लीडर की ओर से कहा गया साथ ही साथ कोर्ट का अटेंशन जब इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस पे ड्रॉप हुआ ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ ट्रांसफर पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक पर्टिकुलर टॉपिक को रेस करना चाहती हूँ लास्ट ईयर जब मैं लीगल अपडेट्स ले रही थी तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ पे गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी प्रैक्टिसेस जो कोर्ट्स के द्वारा चल रही हैं या जो लीगल फ्रटर्निटी में कोई भी ऐसी प्रैक्टिस चल रही है जो शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, हो रही है हो सकती है या सकती उसको वहीं पे एंड करता सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट कर देता है कि ऐसा ना किया जाए इसी पॉइंट पे आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक रिलीज करी थी सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक रिलीज करी थी अभी हाल ही में चार पांच महीने पुरानी बात है और वो हैंडबुक कोई बता सकता है चैट सेक्शन में आई एम गुड रेणुका आपको याद होगा हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टेरोप्स सुप्रीम कोर्ट में विमेन से रिलेटेड कई सारे ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जिसको यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस हैंडबुक को लाके उसके ऊपर रोक लगाई थी लास्ट ईयर की बात है यस विमेन से रिलेटेड था तो वही चीज है सुप्रीम कोर्ट ऐसे सभी चीजें जो कही कहीं ना कहीं डेरोगेटरी हो सकती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होती है उसके ऊपर फौरन रोक लगाता है और इसका एक एग्जाम्पल ये हैंडबुक भी है जिसको लास्ट सेशन में हम लोगों ने लास्ट ईयर कवर भी किया था चलिए अब यहाँ पे केस देख लीजिए शमा शर्मा वर्सेस किशन कुमार का केस था सुप्रीम कोर्ट पासड अ जनरल ऑर्डर डायरेक्टिंग ऑल द हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू तो स्टॉप द परनेशियस प्रैक्टिस ऑफ मेंशनिंग कास्ट एंड रिलीजियंस ऑफ द लिटिगे, लिटिगेंट्स बेंच ऑफ एपिक्स कोर्ट कम्प्राइजिंग ऑफ जस्टिस हिमा कोहली एंड ऑनरेबल जस्टिस एहसनउद्दीन अमानुल्ला वाइल डेप्रिकेटिंग मोस्ट स्ट्रॉन्गली द परिशियस प्रैक्टिस ऑफ कास्ट और रिलीजन मना किया काइंडली इसको इमीडिएटली अभी इमीडिएट इफेक्ट से इस पे

कुछ समय पहले कुछ डिस्प्यूट्स थे यानी कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा रीज़न क्या है देखिए हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन प्रोसीजर स्मूथ होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ओपेक नहीं होना चाहिए इसके लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट था अनूप बारनवाल का अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था मैंने कवर भी कराया हुआ है। के केस में ने कहा कि तब तक कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बारनवाल के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और ये ऑर्डर किया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और एडवाइस जो है इससे रिलेटेड एडवाइस जो है वो दी जाएगी एडवाइस कमिटी, कमिटी देगी जिसके अंदर कौन कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे होंगे लीडर ऑफ लोकसभा में या फिर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट दिशन पार्टी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ये क्लियरली अनूप बारनवाल के केस में कह दिया गया था अब जब ये जो एक्ट है इलेक्शन कमिश्नर से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक एक्ट पास किया गया जब ये एक्ट पास किया गया तो ये देखा गया कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वर्णन नहीं है वो प्रेजेंट नहीं है इसी से रिलेटेड एक पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया इस एक्ट को इस एक्ट को चैलेंज किया गया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट को चैलेंज किया गया और स्पेसिफिकली इसके सेक्शन नंबर सेवन और सेक्शन नंबर एट को चैलेंज किया गया ठीक है सेक्शन सेक्शन नंबर सेवन कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शाल बी ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी जिसके अंदर कौन कौन होंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर इसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि इट इज बाईड इन दी लोकसभा लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस ऑफ पीपल शेल बी डीम टू बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो ये चीज यहाँ पे क्लियर करी थी दूसरी बात यहाँ पे सबसेक्शन टू में कहा गया द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी इनवैलिड मियरली बाई रीजन ऑफ एनी वेकेंसी और डिफेक्ट इन दूशन ऑफ दिलेक्ट कमेटी या सिलेक्शन कमेटी सेक्शन नंबर एट में सिलेक्शन कमेटी के बारे में बताया गया और कहा गया ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये जो इन लोगों को अपॉइंट कर रही है यानी कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये रेगुलेट करेगी अपने खुद के प्रोसीजर को इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर फॉर सिलेक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन को चैलेंज किया गया केस टाइटल देख लीजिए डॉ जया ठाकुर एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और ये जो अभी हम लोगों ने लॉ देखा ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो एक्ट है इस पे स्टे लगाने से इस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया रिफ्यूज कर दिया द सुप्रीम कोर्ट हैज टू स्टे द न्यूली इनैक्टेड लॉ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप आउट किया गया था जिसको कहा गया था अनूप बारनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दो बड़े सवाल थे ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसके ऊपर हम नहीं जाने वाले हैं लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है और इसको आपको याद रखना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया टू तो स्टे द इम्प्यूग एक्ट

बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा बिल्कीज बानो का केस एंड सिंस 2002 बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए चाहे आप इनके ट्रांसफ़र की बात कर लीजिए इसके केस के ट्रांसफ़र की बात कर लीजिए चाहे आप सी बी आई के इंक्लूजन की बात कर लीजिए बहुत सारी चीज़ें एंड देन द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल दी रेमिशन ऑर्डर्स जो रेमिशन ग्रांट किया गया गुजरात के द्वारा इन कन्विक्स को और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन लिया गया इसको एक बार हम लोग ब्रीफली देखेंगे ताकि आपको इनके पर्टिकुलर केस में जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो आपको पता चल जाए तो देखिए 2002 में गैंग रेप होता है इनका और इनके तीन साल की बच्ची और इनके सात परिवार वालों को मार दिया जाता है ट्रायल कोर्ट अक्विट करता है अक्यूज को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स सीबीआई इंक्वायरी दो हज़ार चार में अक्यूज अरेस्टेड एंड ट्रायल शिफ्टीम कोर्ट ट्रायल को शिफ्ट कर दिया जाता है 2018 में 11 अक्यूज को आ, मौत की सजा सुनाई जाती है और 9 को अक्विट कर दिया जाता है 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस कर देता है अपील्स कन्विक्ट के द्वारा जो दी जाती है 2019 में सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है हाई कोर्ट के ऑर्डर मे 2022 को मे 2022 में सुप्रीम कोर्ट रेफर करता है प्ली फॉरवर्ड फॉर द रिमिशन बैक टू गुजरात गवर्नमेंट आफ्टर द गुजरात हाईकोर्ट रूल्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज कॉम्प्रेट अथॉरिटी तो इसके इससे रिलेटेड भी डिस्प्यूट था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को देखा जाएगा और ऑगस्ट दो हजार बाईस को ग्यारह कन्विक्स आर लेट ऑफ आफ्टर कमिटी रेकमेंड एक कमिटी रेकमेंड करती है क्या रेमिशन ऑफ दीज इलेवन कन्विक्स और इसके बाद यह चर्चा का विषय बन जाता है कि इन ग्यारह कन्विक्स को जो इतने heinous crime किया हुआ, ये समाज में खुले कैसे घूम रहे हैं राइट right? तो केस टाइटल नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कीस बिल्कीस यूनियन ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट है फंडामेंटल मूव द सुप्रीम कोर्ट डेड वॉट It has dismissed the applications preferred by the 11 convicts Bilkis Banoke rape case, mein, and they were actually seeking more time. सरेंडर अपने आप को करने के लिए वो और ज्यादा टाइम मांग रहे थे तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है एज द बेंच डिड नॉट फाइंड एनी रीजन इन एप्लीकेशन टू अलाउ इट द बेंच हैज कॉस्ट द रिमिशन ग्रांटेड टू द इलेवन कंडिक्स इन दिल्किज बानोज प्ली चैलेंजिंग देअर प्री मेचोर रिलीज इन द रेप मर्डर बाय द गुजरात गवर्नमेंट एक्चुअली गुजरात गवर्नमेंट ने अपने रूल्स के अंदर उनके स्टेट के अंदर रेमिशन ऑर्डर इन लोगों को ग्रांट किया इन इलेवन कन्विक्स को और उसके बाद जब प्ली रेस करी गई तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई भी सफिशियंट रीजन नहीं लगा कि भाई इनको और ज्यादा टाइम दिया जाए सरेंडर करने के लिए और कहा कि आपको वापस से रिपोर्ट करना है और रिटर्न करना है राइट ऑन जनवरी एट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाइल क्वाशिंग द रेमिशन ग्रांटेड टू इलेवन कन्विक्स यानी कि वो जो रेमिशन दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कर दिया गया यानी कि अब उसकी कोई वैधता कोई वैलिडिटी नहीं है जो इनको ग्रांट किया गया था एंड ऑब्जर्व द ऑर्डर डेटेड यानी कि जो रिमिशन दिया गया था वो नलिटी था इट वॉज नल एंड इट वॉज बैड इन लॉ इट वॉज नॉन एस्ट नॉन एस्ट का मतलब क्या होता है इट इज बैड इन लॉ Law की नजर में वो ठीक नहीं था एज अ रिजल्ट ऑफ बींग इन क्यूरियम दैट इज इट इज लैकिंग ड्यू रिगार्ड टू अट ऑर लॉ यानी जो एग्जिस्ट कर रहा है लॉ देर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ उसको कहीं ना कहीं यह लैक कर रहा है अ बेंच ऑफ जस्टिसिस बीवी नागरण था एंड जस्टिस उज्जवल भूयन वाइल्ड हियरिंग द मैटर टूडे ऑब्जर्व

स्थिति यह है कि इनके रेमिशन ऑर्डर्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑल राइट चलिए मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में रिलीजियस कन्वर्जन की अगर हम लोग बात करें करें तो एक चीज आपको याद रखनी है आई होप यू गाइज रिमेंबर द केस ऑफ सरला मुदगल सरला मुदगल के केस में हालांकि इस पर्टिकुलर केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर जजमेंट दिया है उसमें डिफरेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस हैं हम सरला मुद्गल के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको याद होगा सरला के केस में कुछ पॉइंटर्स को ले डाउन किया गया था और ये कहीं ना कहीं को रिलेट कर जाता है हिंदू और मुस्लिम मैरिज दोनों से अगर हम लोग हिंदू मैरिजेस की बात करें तो देर आर फाइव एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देर आर फाइव एसेंशियल्स पांच एसेंशियल्स हैं और वो पांच एसेंशियल कौन थे दे? फाइव देर आर वैलिड कंडीशन वैलिड कंडीशन एज पर दी हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं बताइएगा एक तो है आपका मोनोगी दूसरा है आपका मेंटल हेल्थ एंड सेनिटी तीसरा है द पार्टीज द एज ऑफ रिलेशनशिप और लास्टली इसके ऊपर अभी हम लोग आगे आएंगे एक और जजमेंट देखेंगे लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है एक आ, मतलब प्रूडेंट मैन की तरह आपको जवाब देना है हो सकता है आपने इंदू मारेज एक्ट नहीं पढ़ा होगा सवाल ये है कि अगर एक हिंदू मैन एक हिंदू मैन देखिए हिंदू लॉ के अंदर मोनोगिमी कही गई है ठीक है यू हैव टू प्रैक्टिस मोनोगिमी मोनो यानी कि अगर जिस टाइम पे आपकी शादी हो रही है आपका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए तो अगर एक हिंदू मैन इस्लाम में कन्वर्ट होके अगर एक हिंदू मैन इस्लाम में कन्वर्ट होके एक मुस्लिम वुमेन से शादी कर लेता है क्योंकि मोनोगेमी का प्रिंसिपल इस्लामिक लॉ में फॉलो नहीं होता है तो आपसे पूछना यह है क्या उसकी पहली शादी जो होती है इसकी जिससे शादी हुई थी फर्स्ट वाइफ क्या उसका हो जाता है क्या होता है इसमें कंफ्यूजन होता है ये कि अगर एक हिंदू मैन इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है और अगर एक मुस्लिम से शादी कर रहा है तो क्या उसका यह मोनोगमी वाला प्रिंसिपल अब उस पे अप्लाई नहीं करेगा बिग क्वेश्चन क्या लगता है आप लोगों को yes, यस तो जो हिंदू मैन की फर्स्ट मैरिज है उससे ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन नहीं होता है हेंस उसकी ये शादी वैलिड है मोनोगेमी अभी भी प्रेवलेंट है यानी कि आपको बाइगेमी के लिए चार्ज किया जाए तो एक एस्पेक्ट ये क्लियर रखिए अपने दिमाग में अब हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं रिलीजियस कन्वर्जन की दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू करी हैं फॉर कपल्स हुआ कन्वर्टिंग रिलीजन फॉरवर्ट फॉर दी सेक ऑफ मैरिजेस ठीक है और जस्टिस कौन थी देख लीजिएगा जस्टिस शर्मा सेट दी फैसिलिटेटर्स उस टाइम पे जहां पे शादी हो रही है कन्वर्जन हो रहा है उनको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें ऑफ द रिलीजन दैट अ पर्सन इज कन्वर्टिंग टू इट्स एसोसिएटेड रामिफिकेशन एंड मेक द पर्सन अवेयर ऑफ द पोटेंशियल शिफ्ट अगर आप फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक हिंदू हैं आप अगर इस्लाम कबूल कर रहे हैं आप इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लामिक हो रहे हैं ठीक है हिंदू है आप मुस्लिम हो रहे हैं हिंदू हैं आप क्रिश्चियन हो रहे हैं मुस्लिम है आप क्रिश्चियन हो रहे हैं मुस्लिम है आप हिंदू हो रहे हैं कोई भी सीन हो सकता है, Clearly, होती है उस रिलीजन के अंदर उस रिलीजन में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या क्या करना होगा क्योंकि आप जानते हो देर आर थ्री पीज देर आर थ्री पीज एज पर आर्टिकल आर्टिकल ट्वेंटी फाइव तीन तीन पीस की बात करता है और ये तीन पीस आपको करना होगा जब आप कन्वर्जन करोगे रिलीजन के अंदर ठीक है केस देख लीजिए केस मकसूद अहमद स्टेट ऑफ एन ऑफ डेली दिल्ली हाईकोर्ट वाइल नोटिंग अप्राइज ऑफ द रिलीजन नॉर्म्स रिलीजियस नॉर्म्स यानी कि सब कुछ आपको बताना चाहिए है है ना एंड दैट कम आफ्टर द रिलीजियस कन्वर्जन जब आप कन्वर्ट हो जाओगे तब क्या ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज हैज इशूड सम गाइडलाइंस द कोर्ट वाज डिसाइडिंग अ केस इन विच द मेन इशू वाज वेदर लव एंड कॉन्सिक्वेंट मैरिज आफ्टर व्हाट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एफ आई आर के बाद जब शादी होने की बात निकलती है कि हम शादी कर लेंगे क्योंकि एफ आई आर वापस ले ली जाए अ सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस वर्ना थी द इंडिविजुअल अंडरगोइंग रिलीजियस कन्वर्जन फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज मस्ट बी फुल्ली इन्फॉर्मड ऑफ द लीगल कॉन्सिक्वेंसिस दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रीहसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द कन्वर्जन में अफेक्ट द इंडिविजुअल्स पर्सनल स्टेटस आपके पर्सनल स्टेटस पे आपके कन्वर्जन से क्या असर पड़ेगा और कोई भी ऑल्टरेशन uh, जैसे इनहेरिटेंस आपको प्रॉपर्टी जो आप क्लेम कर सकते थे अब आप क्लेम नहीं कर पाओगे उस पर क्या असर पड़ेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड शेडिंग लाइट्स ऑन भीफिकेशन इन सक्सेशन मेंटेनेंस कस्टडी डाइवोर्स एक्सेट्रा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट्स भी देख लेंगे यहां पे एक्चुअली क्या था द कोर्ट इशूड गाइडलाइंस एज अ अ पार्ट ऑफ केस इट वाज हियरिंग Uh, January 19, Jahape, Muslim man. Muslim man petitioned the court to quash a rape complaint filed against him in Muslim man ke against a rape complaint filed kari thi by a Hindu woman in October 2022. He was arrested in November and was granted interim bail of five days later on the grounds that he had married, according to Muslim customs and rights, after the women converted to Islam. तो उनको इस प्ली पे छोड़ दिया गया था राइट

ये सारी चीजें क्लियर कर गई चलिए मूविंग फॉरवर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है सुप्रीम कोर्ट है सेड दैट चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड वॉइडेबल मैरिज आर एंटाइटल्ड टू पेरेंट्स शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अब पिछले कुछ महीनों पहले आई थिंक एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था और ये वॉइड वॉइडेबल मैरिजेज में जो बच्चों का जन्म होता है उसी से रिलेटेड था अगर किसी को भी याद आ रहा है तो काइंडली बताइएगा काइंडली बताइएगा कौन सा वो केस था जिसका रेफरेंस क्योंकि मैंने वो कराया हुआ है ऑल right. ठीक है तो अवॉइडेबल मैरिज इज वन दैट इज मेड इनवेलिड बाई दी हजबेंड और वाइफ थ्रू अ डिग्री A void marriage is invalid at the very inception. So, there is a difference void or voidable. I hope you guys know. Mohit, uh, ma'am, isn't it uh, will be void marriage once partner change? That is, see, that is a ground for divorce, Mohit. Whenever there is a conversion, it becomes a ground for divorce under section 13 of the Hindu Marriage Act. It depends on the wife, but I was asking about automatic dissolution. क्या उसका कन्वर्जन जैसे ही होता है क्या शादी का स्टेटस सोचो अगर आप ऑटोमेटिकली डिजोल्व कर दे रहे हो तो वो जो आपकी पत्नी जो हिंदू धर्म की उसका क्या आई यू गेटिंग माई पॉइंट उस पॉइंट पे मैं इस चीज को रेज किया आइए चलिए आगे आइए यहां पे देखिए ये वाला केस देखिए जिसका रेफरेंस मैंने अभी आपको दिया है राजा गाउंडर एंड अदर्स वर्सेस एम सेनगोडन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सुप्रीम कोर्ट है चिल्ड्रेन मैरिजेस से जिनका जन्म हो रहा है वो एंटाइटल्ड हैं टू द शेयर ऑफ द नोशनली पार्टिशन प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट्स वो उनको मिलेगी ऑल राइट अ सूट फॉर पार्टिशन ऑफ एग्रीकल्चरल रैंड ट्रीटेड एज

कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में और इसको क्लैट बता दू और वॉइडेबल मैरिजेस इन हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अंडर मिताक्षरा सिस्टम ऑफ लॉ थ्री जजेस बेंच लेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रूल्ड उन्होंने कहा कि जो भी बच्चों का जन्म हो रहा है फ्रॉम सच मैरिजेस आर इंटाइटल टू शेयर इन दॉपर्टी ऑफ देर डिसको एक चीज क्लियर रखनी है कि यहाँ पे वो बच्चे चाइल्ड हु इज बोर्न आउट ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज वॉयडेबल मैरिजेस वर्ल्ड एज वेल एजेबल मैरिजेस अगर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात करी जाए इनहेरिटेंस की बात करी जाए तो ये बच्चे जो है ये बताइए इक्वली इंटाइटल्ड होंगे कि नहीं इक्वली इंटाइटल्ड होंगे कि नहीं जैसे एक वैलिड मैरिज के अंदर बच्चा होता है यस 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 कार्तिक आई हैड कवर्ड एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अप द सेम स्टैंड चलिए आगे आ जाइए अब हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इनहेरेंट पावर्स आई एम श्योर सीआरपीसी के अंदर आपने इनहेरेंट पावर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा

कुछ पावर्स एक्सप्रेसली दी गई हैं कुछ पावर्स इंप्लाइडली दी गई हैं जो कोर्ट के पास होती हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव सब लेकिन वॉट इनहेरेंटली अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज आपके अंदर इनहेरेंट है देर आर सर्टन क्वालिटीज इन शुभांगी देर आर सर्टन इनहेरेंट क्वालिटीज इन मोहित वॉट आर दोज इनहेरेंट क्वालिटीज विच माइट बी दैट अदर पीपल्स मस्ट नॉट हैव सीन बट सम्बर विच इज क्लोज टू यू माइट है उसी तरीके से हाईकोर्ट के पास कुछ इनहेरेंट पावर्स होती है और वो पावर्स हाईकोर्ट कब एक्सरसाइज करेगा जब प्रोसेस ऑफ दर्ट का अब्यूज हो रहा हो या फिर एंड ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए हाल ही में एक मामला था जहां पे इनहेर पावर्स का यूज तो किया गया लेकिन एज सच जिस पर्टिकुलर लॉ का वॉयलेशन हुआ था उसके एसेंशियल्स क्वालिफाई नहीं हो रहे थे उसके बाद भी 482 के अंदर इनहेरेंट पावर्स का यूज किया गया इसी पॉइंट पे हम लोग देखने वाले हैं केस देख लीजिए केस आपके सामने है राजा राम शर्मा राजा राम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश

ने आपको दिया हुआ है तो इस सेंस में आप याद रखिएगा ये जो केस है इसके फैक्ट भी आप देख सकते हैं आपके सामने है। और फोर एटी टू की पावर को बहुत ही कोशियसली कॉशियसली और स्पेयरिंगली यूज किया जाता है आपको मैं बता दूँ बहुत ही कम केसेज में ऐसा नहीं है कि आप धड़ल्ले से बस करे जा रहे हो है ना चलिए आगे आ जाइए इस केस को याद रखिएगा नाव वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी फेमस जो हाल ही में सापिंडा मैरिज को चैलेंज किया गया मतलब अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक बार म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन थर्टीन भी क्या आ गया और उसकी सेंटिटी और उसकी वैलिडिटी के ऊपर बात उठने लगी तो आप मतलब जो एसेंशियल वैलिड कंडीशन है उसी को चैलेंज करने लोग है ना ऐसा कैसे हो सकता है तो एक्चुअली मामला क्या था पूरा 2007 का मामला था हस्बैंड का कहना था कि मेरी मैरिज जो है वो इस मैरिज है वाइफ इस चीज को मानने को नहीं तैयार कहती है कि नहीं मेरे पेरेंट्स का कंसेंट था इनके पेरेंट्स का कंसेंट था तो ये वैलिड प्रूफ नहीं हो जाएगा मैं आपको बता दूं जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन फाइव वी जस्ट हैड कवर्ड दिस हियर ये ये जो पॉइंट है इसको देखिए आप जस्ट अ सेकेंड राइट इसकी बात करी जाए सो so, अभी हम इससे कंसर्न नहीं है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सापिंडा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन फाइव के अंदर पांच वैलिट कंडीशंस को ले डाउन किया गया है और यहां पे अगर हम लोग सापिंडा की बात करें तो बस मैं आपको याद दिलाने की एक चीज कहूंगी आपको याद रखना है योर एंसेस्ट्रल, योर एंसेस्ट्रल्स या योर एंसेस्टर्स आपके जो भी पूर्वज है उस चेंज से देखा जाता और आपके एंसेस्टर्स कैसे देखे जाते हैं पांच पिता की ओर से तीन जनरेशन माता की ओर से देखा जाता है अगर आप एक दूसरे के सापिंडा हैं तो तो आप वैलिड हिंदू मैरिज तो नहीं कर सकते और ये कंडीशन मोनोगेमी के ग्राउंड पे भी अगर मोनोगेमी नहीं है वॉइड है मेंटल हेल्थ एंड सैनिटी नहीं है तो ये वॉइडेबल है

हस्बैंड कह रहा है कि मेरी सापिंडा मैरिज है काइंडली इसको वाइफ डिक्लेयर किया जाए वाइफ का कहना था कि क्योंकि दोनों पेरेंट्स की मंजूरी यहां पे है तो ये वैलिड प्रूफ होना चाहिए किसका कस्टम्स का राइट तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था अब इसका केस का टाइटल देख लीजिए द केस टाइटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीतू ग्रोवर नीत्यू नीतू ग्रोवर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डिवीजन बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह ने यहाँ पे एम्फोसाइज किया कि अगर ऐसी शादियाँ जो क्लोजनेस से रिलेटेड हैं यानी कि अगर आप सापिंडा मैरिजे या पीडीआर की बात कर लीजिए प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप चाचा भतीजी मौसा भांजी अगर ऐसी शादी को अलाउ कर दिया जाएगा ये इंडिया की प्रैक्टिस के अंदर या इंडिया के रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स uh, हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट होंगे हमारे देश के अंदर तो इसको हमें स्ट्रिक्ट तौर पे इस पर रोक लगानी चाहिए ये केस है आपके सामने कहा एज सच हमें कस्टम दिखाने हैं आपको कि आपके किस आपके फैमिली में कौन से ऐसे कस्टम्स हैं मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट सापिंडा मैरिज से रिलेटेड आप उसको देख सकते हैं उसको रेफ़र कर सकते हैं और काइंडली इसका एक नोट बना लीजिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए मूविंग फॉरवर्ड अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सप्तपदी की कुछ टाइम पहले कुछ टाइम पहले अलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाहाबाद हाईकोर्ट ने अडल्ट्री अडल्ट्री के अंदर एक एक अड, अडल्ट्रस रिलेशनशिप था और हस्बैंड के द्वारा वाइफ को आ, एक चैलेंज किया गया था एक पिटिशन फाइल करी गई थी कि वाइफ ने बाइगमी कमिट करी है बाइगमी कमिट करी है और उसने दूसरी शादी करी है अलाहाबाद कोर्ट ने कह दिया कि अगर सप्तपदी नहीं हुआ है अगर सप्तपदी नहीं प्रेजेंट है तो वो सेकंड मैरिज भी नहीं है और इसी चीज को हाल ही में एमपी हाई कोर्ट के द्वारा भी कहा गया यस एमपी हाई कोर्ट के द्वारा भी कहा गया अजय कुमार जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट अ हिंदू मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ये हिंदू मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एंड अनलेस एंड अनटिल अनलेस जब तक की सप्तपदी नहीं परफॉर्म है जिसको भी पता नहीं सप्तपदी क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि देर आर सर्टन सेरेमनीज ऑफ मैरिज और अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन सेवन को देखेंगे सेक्शन सेवन को देखेंगे तो उन सेरेमनीज में उन सेरेमनीज में एक सेरेमनी का वर्णन किया गया है और वो है और वो है सप्तपदी। आई होप यू गाइज ऑफ सीन इट तो हिंदू मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सप्तपदी इज़ परफॉर्म देर कैन तो नॉट बी सेट टू बी अ वैलिड मैरिज इन एग्जिस्टेंस प्रेजेंट मैटर में पिटिशन फाइल किया गया था जो एफ आई आर सेक्शन थ्री सिक्सटी सिक्स फोर नाइनटी एट ए थ्री थर्टी फोर आई पी सी में फाइल करी थी अकॉर्डिंगली अ बेंच ऑफ जस्टिस जी एस आलूवालिया हेल्ड काउंसिल फॉर पिटिशनर्स कुड नॉट पॉइंट आउट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ कोई भी ऐसा प्रोविजन ऑफ लॉ इन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया पिटिशनर्स के काउंसिल ने जो अक्नोलेज करे कि सप्तपदी सप्तपदी यहाँ पे हुआ है ठीक है इन हिंदू लॉ मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अनलेस सप्तपदी इज परफॉर्म देर नॉट बी अ वैलिड मैरिज द दिटिशनर्स फाइल्ड अ कॉपी ऑफ नोटराइज मैरिज सो एंड सो इसका पूरा वर्णन है इस फैक्ट्स एंड हैसेज का लेकिन सप्तपदी दैट इज द द यस टेकिंग ऑफ सेवन स्टेप्स अराउंड द दीक्रेट फायर उसको कहा जाता है सप्तपदी और सेक्शन सेवन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी इसका वर्णन किया गया है एंड लास्टली uh, इस केस में हाई कोर्ट रिफ्यूज टू तो एक्सेप्ट कंटेंशन दैट दी प्रोजिक्यूटरिक्स एंड दिटिशनर वैलिडली वा मैरिड यहाँ पे कोई ऐसी मैरिज नहीं है स्पेसिफिकली कंसिडरिंग हर स्टेटमेंट मेड अबाउट हर अबक्शन तो ये पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस है इस केस के अकॉर्डिंग इसका पूरा आप जजमेंट फाइंड कर पाएंगे इंटरनेट पर इजिली अवेलेबल है आप देख पाएंगे चलिए मूविंग फॉरवर्ड अब ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए हाई हाईकोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया था कई सारे मंदिर हैं ऐसे देखा गया इंसिडेंट्स पास्ट में कि मंदिरों में हिंदूज़ को एंट्री मिलनी चाहिए या नॉन हिंदूज़ को भी एंट्री मिलनी चाहिए ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है क्योंकि आप जानते हैं जो डेटीज़ होते हैं मंदिर के अंदर उनमें हर रिलीजन के लोग हर रिलीजन के लोग अपना फेथ रखते हैं उस डेटी के अंदर तो मद्रास हाई कोर्ट में हाल ही में एक पिटिशन फाइल किया गया कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें नॉन हिंदू की एंट्री को बैन लगाया जाए उसके ऊपर रोक लगाई जाए लेकिन वहीं पर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी उनका कहना यह था कि जो डेटीज होते हैं उनमें हर रिलीजन के लोगों का कहीं ना कहीं एक फेथ होता है तो ये बार ठीक नहीं होगा कहीं ना कहीं ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट भी जा सकता है लेकिन मद्रास हाईकोर्ट इस चीज को नहीं माने और इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस को इशू किया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको नॉन बिलीविंग नॉन नॉन बिलीविंग नॉन हिंदू कांट एंटर तमिलनाडु टेम्पल्स मद्रास हाईकोर्ट और ये पिटिशन एक टेम्पल के लिए फाइल किया गया था लेकिन इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु में जितने भी टेम्पल्स हैं

एंटर नहीं कर सकते हैं कहाँ नहीं एंटर कर सकते हैं दे के नॉट एंटर एरियाज बियॉन्ड फ्लैग पोल एट पलानी टेंपल एंड अदर टेम्पल्स इन तमिलनाडु यानी कि मेन एंट्रेंस तक ही आप आ पाओगे उसके बियॉन्ड आप नहीं आ सकते इस पर रोक लगाने के लिए कहा पिटिशन वॉज फाइल्ड सीकिंग कोर्ट्स इंटरवेंशन टू इंस्टॉल प्रोहिबिटरी बोर्ड्स

have right to practice their religion without interference under article under article 25 article 25 ka bhi isme varnan kiya gaya the court said the people belonging to hindu religion have right to profess and practice hindu religion likewise people belonging to other religions have right to profess and practice their religion तो इस चीज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट मद्रास Court का आया है कुछ यहाँ पे guidelines तो इशू करी देख लीजिए एक बार देखिए कोर्ट पे कहा इंडिकेटिंग नॉन हिंदूर कि मेन एंट्रेंस से थोड़ा आगे बस उसके बाद आप अंदर नहीं आ सकते हैं एंड साथ ही साथ कहा रेस्पोंडेंस आर डायरेक्टेड नॉट टू अलाउ नॉन हिंदूज नॉट बिलीव हु एंट्री करने से पहले यह प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरह से आपका फेथ आप उस डेटी के अंदर रखते हैं अगर आप प्रूफ कर पाए तभी आपको एंट्रेंस एंट्री मिलेगी

सेम शाल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर और लास्टली रेस्पॉन्डेंटेन टेम्पल एक और हम टॉपिक देखेंगे यहां पर एस सी एस सी एक्ट से रिलेटेड है और एस सी एस टी एक्ट के अंदर अगर आपको किसी को भी कन्विक्ट करवाना है या करना है उसके अंदर कोर्ट जो मेजर चीज देखता है और वो है आपका इंटेंशन सो डीलिंग हाउस होल्ड कोर्स तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये चीज कही कि यहाँ पे अगर कोई भी इंसान कोई भी बात अगर कह रहा है और अदर पर्सन जो है वो एस सी एस टी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे कोर्ट के लिए जो मेजर चीज एग्जामिन करने की है और वो है उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटेंशन और यही चीज इस केस में भी रेस करी केस देख लीजिए दशरथ साहू दशरथ साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द कमीशन ऑफ ऑफेंस आउटरेजिंग मॉडेस्टी अंडर द एस सी एक्ट शुड बी अकंपनीड शुड बी अकंपनीड बाय बाय अ स्पेसिफिक इंटेंशन जिस तरह से हमने देखा था अभी सेक्शन 482 को इन्वोक करने के लिए सेंशन का क्वालिफिकेशन जरूरी है उसी प्रकार से SCA, SC, के अंदर आपको अगर कन्विक किया जा रहा है तो उस पर्सन के द्वारा जिसने वो एक्ट किया है उसके द्वारा इंटेंशन होना भी जरूरी है राइट द कोर्ट अलाउड एन अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर अक्विटिंग ऑफेंसेस बट बट रिजेक्टिंग आईपीसी के लिए तो ठीक है

हसन शाह मुसलमान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बेंच द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन थ्री इज पैरी मटेरियल मटेरिया एज सेम एज आल्सो प्रोवाइज द ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय अ पर्सन बिलोंगिंग टू एस सी तो इस चीज़ को भी रेफरेंस दिया गया लेकिन आपको याद ये रखना है कि देर हैज़ टू बी एन इंटेंशन और आज का सेशन फ्रेंड्स इसी पॉइंट पर हम ओवर करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है जो आपको रेस करना या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इन द जनवरी मंथ एवर रियली इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स हर मंथ के लीगल अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगी सो इट इज योर ड्यूटी टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन राइट ऑल राइट सो लेट इज जस्ट रैप अप एंड आई होप इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल ओके थैंक्स अलॉट गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन और मिलेंगे नेक्स्ट मंथ के लीगल अपडेट्स में भी जरूर ज्वाइन करिएगाक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय